टैली की इस अमेजिंग ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री होती है, उसमें प्राइस को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बुक्स में कोई गलत इंपैक्ट ना आए, अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाए तो कैसे अपने लॉस को बुक करें, और हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप एंट्री करते वक्त प्राइस भूल गए तो बिना रिपोर्ट्स में जाए कैसे आप वाउचर में ही प्राइस को ला सकते हो। इसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट की एक मैसिव एंट्री करेंगे जिसमें हम कॉस्ट सेंटर्स शो करेंगे। ये काफी क्रूशियल है उन लोगों के लिए जो अपने एक्सपेंसेस को डिटेल वाइज एनालाइज करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। एंड फाइनली लास्ट ट्रिक जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, पेटी कैश वाउचर क्लास से कैसे हम अपना टाइम एंड एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी क्यूरियस हैं इन सब सवालों के जवाबों के लिए तो मेरे साथ चलते रहिए और टेली प्राइम के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। माय नेम इज आकाश, यू आर वाचिंग आकाश F1 एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 8। इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सीखनी है जो कि इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस में। सबसे पहले यहाँ पर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर हमें दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक हेडसेट जिसका नाम है 1+5 ऑन 1st of September को, जिसके 5 पीस हम नोएडा से नेहरू प्लेस गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड ऑन द सेम डेट HP लेजर प्रिंटर के 8 पीसेस हम मूव कर रहे हैं पटेल नगर गोडाउन से नोएडा गोडाउन में। सो इसको पहले हम टैली में देख लेते हैं। ये है हमारी कंपनी। यदि आपने डे 7 तक कंप्लीट वर्क कर लिया है तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, बट यदि आपने नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डे 7 तक का बैकअप है, आप उसको रिस्टोर कर लीजिए फटाफट से जिससे कि आप भी मेरे साथ कंटिन्यूशन में इस प्रोजेक्ट को कर सके। सो यहाँ पर स्टॉक समरी पे जब हम जाएंगे एंड ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे एंड देन F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ नोएडा से नेहरू प्लेस गोडाउन में हमें 5 पीस ट्रांसफर करने हैं, यानी कि ये 15 हो जाएगा 20 और ये 12 हो जाएगा 7। एंड ये जो HP लेजर जेट प्रिंटर है इसको पटेल नगर गोडाउन से 8 पीस हमें मूव करने हैं नोएडा गोडाउन में, तो ये हो जाएंगे 4। सो इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें जाना होगा वाउचर्स पे। ये एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एंट्री है जिसमें हम प्रोडक्ट को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में रिलोकेट करते हैं। इसको करने का पर्पस ये हो सकता है क्योंकि उस पर्टिकुलर गोडाउन में जो हमारी रिटेल शॉप है वहां पर ऑर्डर उस प्रोडक्ट के ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से हम ऐसा कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, नॉट जस्ट टेक्निकली। तो हमें जरूरत है स्टॉक जनरल वाउचर की जिसका शॉर्टकट होता है Alt+F7। जैसे ही इसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दो वाउचर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो कि मैंने पिछली टैली की ऑनलाइन क्लास में बताया था, एंड इस टैली की ऑनलाइन क्लास में स्टॉक जनरल हम लेंगे। यहाँ पर डेट हमें सेट करनी है ट्रांजेक्शन की जो की है 1st of September। अब यहाँ स्पेस बार दबा के आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसको आपको ट्रांसफर करना है। नाउ 1+5 यहाँ पे दिखा रहा है 27, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें गोडाउन सेलेक्ट करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, बट ऐसा नहीं है डियर, इसके ऊपर जो गोडाउन है आपको इस ऑप्शन को लेना है, तो इसके लिए आपको स्पेस बार दबाना है। जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो स्पेस बार दबाओ, इससे आपको चीजें क्लियर होंगी। तो देखो सारे लिस्ट ऑफ गोडाउन आ गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें नोएडा से नेहरू प्लेस गोडाउन में 5 पीस ट्रांसफर करने हैं, तो मैंने नोएडा गोडाउन सेलेक्ट किया जिसमें भी 12 है, यहाँ पे एंटर करना है 5। देन बारी आती है प्रिंटर की, एंटर करेंगे इसको भी, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पटेल नगर गोडाउन से 8 पीसेस। अब यहाँ एंटर करके हम राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये था हमारा सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ आपको प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे स्पेस बार हम दबाएंगे, अपना हेडसेट सेलेक्ट करेंगे 1+5 एंड नाउ यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करके हम वो गोडाउन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को पटका है। नोएडा से प्रोडक्ट हमने पटका है नेहरू प्लेस गोडाउन पे, एंटर करेंगे, 5 पीस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ जब हम एंटर कर रहे हैं तो इधर ये जो रेट आ रहा है 8999 आ रहा है क्योंकि हमने नेहरू प्लेस गोडाउन सेलेक्ट किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि नेहरू प्लेस गोडाउन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टैली ये समझ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट उस गोडाउन में जाएंगे वो इस रेट के तहत जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने या तो ओपनिंग बैलेंस में या फिर परचेस करते वक्त ये रेट डाला होगा और उस टाइम पे हमने स्टॉक को नेहरू प्लेस गोडाउन में एलोकेट किया होगा। बट इस केस में यहाँ पर इसका जो रेट है 9974 वही यहाँ पर आएगा 9974, क्योंकि हमारे लिए इसकी कॉस्टिंग नोएडा में जो पड़ रही थी वही नेहरू प्लेस में ट्रांसफर करते वक्त पड़ेगी। अब यहाँ एंटर प्रेस करने के बाद एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स आती है। यदि हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जिसको हम कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं, अगर आपको वो सब कुछ इसमें ऐड करना है तो यहाँ से आप लेजर सेलेक्ट करके परसेंटेज वाइज या फिर अमाउंट वाइज इसको ऐड करके इसकी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, बट हमारे इस क्वेश्चन में अभी ऐसा कुछ करने को कह नहीं रहा तो इसको सिंपल रखते हैं, एंटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, HP प्रिंटर को हमें पटेल नगर से नोएडा शिफ्ट करना है, नोएडा 8 पीसेस
एंड यहाँ पे इसका रेट डाल देंगे 5700। तो इस विंडो को हम एंटर करेंगे, इसको स्किप कर देंगे एंड प्लेस्ड यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। सो हमने दो स्टॉक आइटम नोएडा से नेहरू प्लेस एंड पटेल नगर से नोएडा ट्रांसफर करें। स्टॉक जनरल वाउचर की इस एडजस्टमेंट एंट्री को सेव करने के बाद आप स्टॉक समरी पे आइए एंड यहाँ ये 20 और 7 हो चुका है एज यू कैन सी एंड एचपी प्रिंटर आ रहा है 8 पीसेस 4 पीसेस ऑन देयर रेस्पेक्टिव गोडाउन्स। अगले क्वेश्चन में एक डैमेज हुआ है जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है। दरअसल हुआ क्या है कि 2 सितंबर 2017 को फिजिकल काउंटिंग करने के बाद ये पता चला कि नेहरू प्लेस गोडाउन में एक वन प्लस फाइव का हेडसेट डैमेज हो गया वाटर लीकेज की वजह से। हो सकता है उस दिन बहुत बारिश हुई हो इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो हमें इसकी एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और इस लॉस को हमें रिकॉर्ड भी करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस पर्टिकुलर डैमेज को कैसे अकाउंट करें अपने बुक्स में। हमें यहाँ से 1+5 का एक पीस माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पर हमें लॉस को शो करना है। तो इस एंट्री के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, देन जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F7 प्रेस करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके डेट सेट कीजिए 2nd of September। नाउ यहाँ पर हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है लॉस। तो इसके लिए हम एक लेजर बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। वैसे ये कोई खर्चा नहीं है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जा रहा है, बट क्योंकि हमें इसको टैली की डेबिट साइड में शो करना है P&L में, इसीलिए हमें इसको इस ग्रुप के अंदर डालना होगा। अब एंटर प्रेस करके टैक्सेशन के सारे ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, सेव। अब यहाँ हमें अमाउंट डालना है जितने रुपए का वो फोन का लॉस हमें हुआ है, वो कॉस्ट हमें यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो उस कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप पहले यहाँ पर जस्ट 1 रुपीज एंटर कर दीजिए। इमेजिन करिए कि आपका लॉस जस्ट 1 रुपीज का है, जिससे कि आप एंटर करके क्रेडिट साइड पे आ जाओ। देखिए गुड्स हमारे बिजनेस से डिक्रीज कब कब होते हैं, एक तो तब होते हैं जब हम सेल्स करते हैं और एक तब होते हैं जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, बट यहाँ पर वजह लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो परचेज अकाउंट होता है जहाँ पर हमारे गुड्स का बैलेंस शो होता है, वो गुड्स की पॉजिटिविटी को शो करता है, गुड्स के पॉजिटिव बैलेंस को। तो हमें गाइस उसको डिक्रीज करना है। यहाँ पे हम परचेज सेलेक्ट करेंगे जो स्टॉक आइटम का आपको लॉस हुआ है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट नेहरू प्लेस गोडाउन से डैमेज हुआ है, इसलिए आपको ये गोडाउन सेलेक्ट करना होगा, क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है। नाउ दिस इज द अमाउंट, इस अमाउंट का फोन का लॉस आपको हुआ है 9974। तो इसी अमाउंट को हमें डेबिट साइड पे लॉस के रूप में बुक करना है। तो एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड टाइप कीजिए 9974। तो इसी के साथ ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। हमने ऐसा क्यों किया बेसिकली, क्योंकि हमें क्रेडिट साइड पे आके अपने लेजर को सेलेक्ट करना था परचेज और उसी के बाद हमें रेट मिलता। तो एंटर प्रेस करके यहाँ पे नरेशन पे आना है, ऐसी एंट्रीज का नरेशन आपको जरूर डालना है एंड देन सेव। सो इस एंट्री का इफेक्ट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस शो हो रहा है 9974 का और हमारी जो परचेज है वो 9974 से डिक्रीज हो चुकी है। स्टॉक समरी से भी आपके जो 1+5 हैंडसेट थे अब वो केवल 26 पीस ही बाकी है। नाउ अब हमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कैश डिपॉजिट करना है। सो 2 सितंबर 2017 को हमने डिपॉजिट करा 10,000 रुपए UTI बैंक में एंड 60,000 रुपीज हमने डिपॉजिट करे HSBC अकाउंट से SBI अकाउंट में। तो गाइज ये जो एंट्रीज हैं ये जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है जहां पर हम पैसे को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। वाउचर्स पे जाइए, कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कीजिए, डेट सेट कीजिए। नाउ हम 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट कर रहे हैं UTI बैंक में। गाइज यहाँ पे वो अकाउंट आता है जिस अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा होता है, तो क्योंकि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो स्पेस बार प्रेस कीजिए, UTI बैंक को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, जिसपे अभी अमाउंट है 1,32,800, अब ये हो जाएगा 1,42,800। नाउ पर्टिकुलर्स में रीजन डिफाइन कीजिए कि ये बैंक का बैलेंस क्यों बढ़ेगा एंड द रीजन इज कैश। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम डाल देंगे 10,000 रुपीज। नाउ जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ से अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड यहाँ अमाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसका मतलब ये भी है कि मैं कैश को क्रेडिट कर रहा हूँ एंड बैंक के लेजर को डेबिट कर रहा हूँ। यदि आपको ये डिटेल में देखना है तो आप चेंज मोड पे जाकर डबल एंट्री मोड ले सकते हैं। तो मैंने सिंपली एंटर करा, नाउ यू कैन सी द बैलेंसेस, ये चेंज हो चुके हैं। नाउ यहाँ पर एंटर प्रेस करके आपको डेनोमिनेशंस में नोट डिफाइन करने हैं कितने रुपए के नोट हैं। तो यहाँ पे हम 20 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे एंड दैट्स इट, नरेशन से इस एंट्री को सेव कर देंगे। नाउ 60,000 रुपीज हमें डिपॉजिट करने हैं HSBC से SBI बैंक में। गाइज ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री ही है, क्योंकि हम अपने एक बैंक अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरे बैंक अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड क्योंकि यहाँ पर SBI का बैलेंस बढ़ रहा है इसीलिए आपको SBI
बैंक सेलेक्ट करना है एंड पर्टिकुलर में रीजन डालना है कि इसका बैलेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है एंड द रीजन इज HSBC बैंक। 60,000 हम एंटर करेंगे, यहाँ से अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ डेबिट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। यहाँ एंटर करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप पे ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे एंड नरेशन डाल के इस एंट्री को सेव कर देंगे। नाउ अगर आपके बॉस आपको कहते हैं कि भाई मेरे को सभी अकाउंट्स जिसमें भी पैसे हैं वो मुझे एक बारी में दिखाओ, तो आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए DAC एंड यहाँ पर आपका कैश का बैलेंस दिख जाएगा आपको एंड तीनों के तीनों बैंक अकाउंट का बैलेंस भी दिख जाएगा जो कि अभी अभी अपडेट हुआ है। DAC याद रखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन एक भारी भरकम सा क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 2017 को हमने एडवर्टीजमेंट किया है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको समझ के कीजिएगा। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं ऐसे ही अकाउंटिंग की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो बैक टू द टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2017 को, अमाउंट 50,000 रुपीज है, ये याद रखना है आपको। और ये एडवर्टाइजमेंट एड हुआ है साउथ दिल्ली लोकेशन में थ्रू लोकल केबल चैनल, हमने किसी टीवी चैनल को ये पे किया होगा एंड ब्रैकेट में दिखा रहा है ऑडियो विजुअल। तो इसका क्या मीनिंग है, हमने एक कॉस्ट सेंटर बनाया था ऑडियो विजुअल के नाम से पहले की टेली के ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको बताया था, तो ये उससे रिलेटेड है। इसी के साथ हमने एडवर्टीजमेंट 35,000 रुपए का भी किया है जिसके लिए हमने पब्लिश किया था एक एड टाइम्स ऑफ इंडिया में और उसकी लोकेशन थी नॉर्थ सिटी और ये ब्रैकेट में दिखा रहा है प्रिंट मीडिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया नाम से हमने भी टेली में एक कॉस्ट सेंटर बनाया था इसीलिए ब्रैकेट में ये मेंशन। So these advertisements were facilitated for computer items. अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये computer items के लिए advertisement किया गया है, computer की sale को बढ़ाने के लिए। And किससे करवाया गया है, Globe Ad Private Limited, ये एक advertising agency है and क्योंकि हमने इनको pay कुछ नहीं किया इसीलिए हमारे creditors कहलाएंगे। Default credit period हमें set करना है 25 दिन का और bill number हमें 2 enter करने हैं। तो guys बहुत कुछ करना है इस question में, तो हम बेस से चलेंगे, मेरे साथ साथ आप चलिएगा क्योंकि आपने बैकअप को रिस्टोर कर ही लिया होगा पिछली क्लास का, इसीलिए आपको भी सभी लेजर्स दिख जाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं कुछ लेजर्स बना लेता हूं जो ऑलरेडी इसमें नहीं है मेरी टैली में। मैं ऑल्टर पे जाकर पहले चेक करता हूं लेजर पे, एडवर्टीजमेंट का लेजर तो देखो बना हुआ है। इस पे एंटर करके आपको ये ऑप्शन जरूर यस करना है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट की एंट्री में हमें कुछ डिटेल्स डिफाइन करनी है और वो डिटेल्स कॉस्ट सेंटर से ही आ सकती है। नाउ चेक करते हैं Globe Ad Private Limited, गाइस इसका कोई लेजर नहीं है क्योंकि इस पार्टी से हम फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वाई Globe Ad Private Limited के इस लेजर को आपको क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे, एंटर। लेजर का नाम डालने के बाद आपको ग्रुप्स में क्रेडिटर्स लिखना है। नाउ यहाँ पर बिल बाय बिल के इस ऑप्शन को यस करने के बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पे आपको नंबर ऑफ डेज डालने हैं। ये वो नंबर ऑफ डेज हैं जो कि हमारा क्रेडिटर हमें देता है, अलाउ करता है पेमेंट करने के लिए, यानी कि हमारे पास 25 डेज हैं, उसके बाद 26th डे से इंटरेस्ट लग जाएगा हमारे ऊपर। तो 25 डेज का डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डालने का फायदा ये होता है गाइस कि जब आप एंट्री पास करोगे तो ऑटोमेटिकली 25 दिन बाद की ड्यू डेट आएगी। मान लीजिए 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई तो 26 तारीख की आएगी ड्यू डेट। तो मैंने एंटर किया एंड अभी मुझे TDS TCS कुछ भी डिडक्ट या एप्लीकेबल नहीं करना, मेरी आने वाली टैली के ऑनलाइन क्लासेस में ये ऑप्शंस हम यस करेंगे और TDS TCS GST को डीप में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने स्क्रीन को सेव करा। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करना है। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं फटाफट से एक मिनट के अंदर ये बता देता हूँ। देखिए कॉस्ट कैटेगरी वो नाम होता है जिस नाम से आप अपने खर्चे को डिफाइन करते हैं, एंड कॉस्ट सेंटर उसका एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे मान लीजिए सैलरी एक खर्चा है जिसको मुझे ब्रेक करना है एम्प्लॉयज के नाम से, तो सैलरी बन जाएगा कॉस्ट कैटेगरी एंड एम्प्लॉय के नेम से बन जाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ हमें कौन सा कॉस्ट सेंटर यूज करना है, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं साउथ दिल्ली लोकेशन में ऑडियो विजुअल के थ्रू और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कंप्यूटर आइटम्स के लिए है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो कंप्यूटर, साउथ दिल्ली एंड ऑडियो विजुअल, तो इस नाम से हमने कॉस्ट सेंटर बनाए थे। यहाँ पर ऑल्टर पे चलते हैं, कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं। तो ये सारे कॉस्ट सेंटर्स थे जो कि मैंने आपको इस डे में बताए थे और वहां मैंने उस टाइम कुछ कहा भी था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अभी अभी हमने ये कॉल सेंटर बनाए हैं। कंपनी अपने खर्चों की डिटेल को दिखाने के लिए ऐसा स्टेप लेती है कि आप सारे के सारे कॉल सेंटर बनाओ, ये जानते हुए कि हो सकता है सभी कॉल सेंटर्स का यूज ना हो, जिस समय यूज होगा उस टाइम आप इसको बनाओगे तो कंफ्यूजन होगा। हाँ जी समझ गए ना। तो यहाँ इस लिस्ट के अंदर मैं COMP टाइप करूंगा तो कंप्यूटर डिविजन से रिलेटेड सारे के सारे कॉल सेंटर्स आ रहे हैं एंड मुझे चूज करना है कंप्यूटर डिविजन साउथ दिल्ली ऑडियो विजुअल। तो वो
कहाँ है, वो है ये। इस कॉल सेंटर के इस्तेमाल से हमें 3 डिटेल्स पता चलेगी अपने एडवर्टीजमेंट की, कि हमने कंप्यूटर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किया, साउथ दिल्ली लोकेशन में ये किया एंड ऑडियो विजुअल के थ्रू किया। तो चलिए इस एंट्री को पास कर लेते हैं फटाफट से। इसके लिए हम वाउचर्स पे जाकर सेलेक्ट करेंगे जर्नल वाउचर, क्योंकि ये एक क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, दैट्स व्हाई हमें जर्नल वाउचर ही सेलेक्ट करना है। नाउ F2 प्रेस करके डेट सेट करेंगे 1st of October। डेबिट में हमें रिकॉर्ड करना है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट होता है, दैट इज द रीजन व्हाई डेबिट होगा एडवर्टीजमेंट। नाउ इसमें अमाउंट आएगा 35,000 रुपीज। एंटर करते ही हमसे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी पूछेगा, तो कॉस्ट कैटेगरी आएगी दिल्ली, क्योंकि साउथ दिल्ली दिल्ली में आता है, दिल्ली सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है जो मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर डिवीजन साउथ दिल्ली ऑडियो विजुअल। एंटर करते ही आपको इसकी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल इस नाम से शो हो जाएगी अपने रिपोर्ट्स में, जो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा। एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली शो हो रहा है और कंप्यूटर साउथ दिल्ली ऑडियो विजुअल 35,000 रुपीज से। यही फायदा होता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करने का, इससे हमें जो एंट्री होती है ना वो डिटेल में शो होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके बॉस या फिर मैनेजर या TLA पूछते हैं कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट कहाँ किया, कैसे किया, तो आप इस एंट्री को ओपन अप करके इसको पढ़ के बता सकते हो बड़े आसानी से, नहीं तो आपको नरेशन पे जाना पड़ सकता है या फिर दिक्कत हो सकती है समझाने में। नाउ क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टी का नाम, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेस पे है एंड अकाउंट्स का जो पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि क्रेडिट द गिवर। तो हमने सर्विसेज ग्लोबेट प्राइवेट लिमिटेड से ली है, तो ही इज द गिवर। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस एंटर कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 25 डेज एड होके आ रहे हैं एंड 26th of October ड्यू डेट बनी है मेरी इस ट्रांजेक्शन की। ऑटोमेटिकली ये डेट आई है, मैंने कोई 25 नहीं डाला, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेजर बनाते वक्त हमने 25 डेज डाला था। नाउ यहाँ पर हमें बिल नंबर एंटर कर देना है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। कॉपी पेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को हम विद अ गुड नरेशन सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं नरेशन मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं डाली है, क्योंकि ज़्यादातर डिटेल मैंने ऊपर ही डिस्क्राइब कर दी है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की मदद से। यदि आपको इसको और डीपली समझना है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को, तो आप रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रोजेक्ट के मेरे day 4 पे जाकर इसको समझ सकते हैं। अब जैसे हमने ये सेलेक्ट किया था, अब इसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर्स को। तो कंप्यूटर आइटम्स के लिए हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अब नॉर्थ सिटी में एंड जो तरीका है वो है प्रिंट मीडिया। तो चलिए करते हैं इस ट्रांजेक्शन को भी एंटर। अगेन हमें एडवर्टीजमेंट लेना है। गाइज मैं दूसरी बार एडवर्टीजमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो एंड उसमें 2 बार बिल नंबर मेंशन हो रहे हैं अलग अलग, रिकमेंडेड ये है कि आप 2 अलग अलग बिल नंबर से उस ट्रांजेक्शन को बुक करो 2 बार एंट्री पास करके। कभी भी गुड्स परचेज या फिर सर्विस परचेज की एंट्री 2 अलग अलग बिलों की एक साथ नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करने से काम ऑडिट नहीं हो पाता है। सो अभी अभी पता चला कि जो अमाउंट हमने पिछली ट्रांजेक्शन में डाली थी वो गलत थी, उसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेज अप का बटन दबा सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री वापस आ जाएगी। एंड यहाँ पर 35,000 नहीं डालना था भाई, यहाँ डालना था 50,000। एक तो जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, क्या करें, 50,000 एंटर करिए एंड ऑटोमेटिकली सब 50,000 आ जाएगा। तो आप कंट्रोल ऐसे सेव भी कर सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट एक एक करके एंटर करके भी कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री पास एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 35,000। नाउ यहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरी लेना है, अगेन दिल्ली हम सेलेक्ट करेंगे एंड दिस टाइम कंप्यूटर नॉर्थ दिल्ली प्रिंट हमें चाहिए, तो वो है ये। ये फायदा होता है गाइस कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने का, आप जब भी चाहो किसी भी ट्रांजेक्शन की डिटेल शो कर सकते हो। पहले अपने बिजनेस को अच्छे से समझो कि आपके बिजनेस के अंदर आप किस तरीके का काम चाहते हो करना एंड उसके बाद उसकी अकाउंटिंग आप कैसे देखना चाहते हो। जैसा देखना चाहते हो वैसा आप टैली को समझा दो, टैली ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीज डिस्प्ले करेगा और उसके बाद आपको भी अच्छे से आपकी रिपोर्ट में डेटा समझ में आ जाएगा। तो बार बार मैंने चेक करा, मेरे को कन्फर्म्ड है कि भाई हमें यही कॉस्ट सेंटर लेना है। एंटर करेंगे ग्लोबेट प्राइवेट लिमिटेड 35,000 एंड दिस टाइम हमें न्यू रेफरेंस लेकर बिल नंबर ये वाला डालना है जो कि हमें यहाँ मेंशन है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस थिंग, कॉपी इट एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली 25 डेज आ गए हैं यू नो। अब पिछली एंट्री की जो नरेशन है मुझे वही रिपीट करनी है, तो मैंने इसकी एक शॉर्टकट की आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताई थी, उसकी शॉर्टकट की है बताइए क्या, बताइए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। R फॉर रिपीट, हमें पिछली एंट्री की अगर नरेशन रिपीट करनी होती है तो हम Ctrl+R प्रेस कर सकते हैं। नाउ सेव दिस थिंग। नाउ सिंपली इस एंट्रीज का अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे Alt+F1 प्रेस करके यू कैन सी दिस एडवर्टीजमेंट अमाउंट, ये 1,30,000 हो गया है, यानी कि ये 85,000 रुपीज से बूम करा है, जंप करा है, इंक्रीज हुआ है।
एंड बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स साइड में यहाँ पर आपका एक क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है जिसका नाम है ग्लोबेट प्राइवेट लिमिटेड। नाउ अब हमें ट्रांजेक्शन की डिटेल शो करनी है, तो डिटेल शो करने के लिए आपको सिंपली डिस्प्ले में जाना है, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, लेजर ब्रेकअप, एडवर्टीजमेंट को एंटर करेंगे, यहाँ कॉन्फिगरेशन पे जाएंगे एंड एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को येस कर देंगे, सेव। तो गाइस ये जो आप सिलेक्शन देख रहे हैं ये है हमारी इस एंट्री के इफेक्ट जो कि हमें सिंपली शो कर रहा है कि एडवर्टीजमेंट किस चीज के लिए हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है। नाउ इस हैवी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम एक गिलास पानी पी लेते हैं एंड रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि जो अगली एंट्रीज है वो काफी सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग है। तो देखिए पेटी कैश मैनेजमेंट अब समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। हमें एस्टेब्लिश करना है पेटी कैश का लेजर जिससे कि हम अपने रेगुलर डेली एक्सपेंसेस को मीटअप कर सकें। देखो हमारे जो डे टू डे बेसिस के जो खर्चे होते हैं हम उसको बैंक अकाउंट से भी पे करते हैं, कई बार कैश से भी करते हैं, बट जो हमारे रेगुलर खर्चे होते हैं जो हमें करना ही करना है, भाई पता है कि भाई स्टेशनरी के लिए पैसा जाता है, प्रिंटिंग के लिए जाता है और रिफ्रेशमेंट के लिए जाता है, सो पेटी कैश का लेजर इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दैट। पेटी कैश का लेजर बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आप कुछ खुले पैसे डाल सकते हो एंड उसके थ्रू छोटे मोटे खर्चे कर सकते हो, जैसे कि छोटू चाय लिया, छोटू ये प्रिंट करके लिया, छोटू ये कर दे वो कर दे, तो आप उस अमाउंट को यूज करोगे। तो पेटी कैश का लेजर हमें क्रिएट करना है कैश इन हैंड ग्रुप में, तो क्रिएट पे जाइए, लेजर पे जाइए एंड यहाँ पर पेटी कैश लिखिए पहले तो, एंड दिस विल गो डाउन अंडर कैश इन हैंड ग्रुप, सेव दिस स्क्रीन। अब इसके बाद हमें पेटी कैश का वाउचर क्रिएट करना है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जब हम वाउचर्स पे जाकर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अकाउंट सेक्शन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के लिए और जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है एंड यू नो अकाउंट्स की जॉब में या फिर अकाउंट्स के वर्क में टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर ईच एंड एवरीवन। कंपनी आपको इसलिए तो हायर करती है क्योंकि आप कंपनी का टाइम एंड पैसा दोनों बचाते हो। सो ये स्किल आपको एक्वायर करनी है, आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक ही अकाउंट आना चाहिए क्योंकि आप डील तो पेटी कैश से ही कर रहे हो ना। सो ऑल्टर पे जाइए एंड देन वाउचर टाइप पे जाइए एंड यहाँ पर जो आपका पेमेंट वाउचर है इसको एंटर कीजिए एंड इधर राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आता है नेम ऑफ क्लास और यहाँ आपको बनानी है वाउचर क्लास। वाउचर क्लास बेसिकली एक वाउचर का एक सब सेक्शन होता है जिसके अंदर आप अपने लेवल पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करके काम को सिंपल एंड सिक्योर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पेटी कैश वाउचर, एंटर करेंगे एंड यहाँ पर यूज क्लास फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशंस के इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे क्योंकि हमें कॉस्ट सेंटर पे अभी डील नहीं करना है, अगर करना होगा तो हम इसको यस कर लेंगे। नाउ एंटर प्रेस करके एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स में आपको वो ग्रुप्स एक्सक्लूड करने हैं जो कि आप इस वाउचर में नहीं देखना चाहते हो एंड आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि सिंपल है इंक्लूड दीज ग्रुप्स, कि इसमें से वही ग्रुप को सेलेक्ट करो जो आप इस वाउचर में देखना चाहते हो। तो देखो आपके पास ऑप्शन है तो मैं सिंपली क्या करूंगा जो मेरे लिए आसान है, तो इंक्लूड दीज ग्रुप्स में जाकर मैं कैश इन हैंड को सेलेक्ट करूं। इसका मतलब ये है कि इस वाउचर क्लास के अंदर केवल कैश इन हैंड वाले ग्रुप के लेजर्स आएंगे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि कैश इन हैंड ग्रुप के जितने भी लेजर्स हैं वो इस वाउचर क्लास के अंदर आएंगे एंड ऐसे केवल दो लेजर्स होते हैं जो कैश इन हैंड ग्रुप में आते हैं। यस यू आर राइट, एक है कैश का लेजर और एक जो हमने बनाया था पेटी कैश का लेजर, तो इसीलिए आपको इसे एंटर करना है। टैली ग्रुप वाइज चीजों को कंट्रोल करने को कहता है आपको यहाँ पर। तो मैंने एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट किया एंड यहाँ पे लेजर नेम पे पेटी कैश सेलेक्ट करना है क्योंकि इस लेजर के थ्रू ही मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये वाउचर जब मैं सेलेक्ट करूँ तो ये पेटी कैश का लेजर के थ्रू ही पेमेंट होनी चाहिए। तो सिंपली आई एम गोइंग टू एंटर दिस थिंग एंड देन सेव दिस। नाउ चेक इट आउट, अब आपका देखिए काम कितना फास्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमें पेटी कैश के कुछ खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, तो 2 अक्टूबर 2017 को टिफिन एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हमने मीटअप करे हैं, अमाउंटिंग है उसकी 950 और इसको हमने पे करा है पेटी कैश से। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस सिंपल एंट्री, इसके लिए हम वाउचर्स में जाते हैं एंड यहाँ पर हमें प्रेस करना होगा गाइस F5 बटन, इससे आपका पेमेंट वाउचर तो आ जाएगा। अब यहाँ पर वाउचर क्लास पे पेटी कैश वाउचर आपको सेलेक्ट करना है एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा यू कैन सी कि अकाउंट में ऑटोमेटिकली पेटी कैश आ गया। टैली ने मेरे से पूछा ही नहीं कि कौन सा लेजर लेना है, उसको पता है भाई, उसको एक बार बता दो बस। नाउ पर्टिकुलर्स में स्पेस बार दबाइए एंड सिंपली यहाँ पर आपको अपने खर्चे को रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा। टिफिन के खर्चे इस तरीके के खर्चे जाते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ग्रुप में एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेजर कभी भी सिचुएशनल मत बनाओ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टिफिन तो ये नहीं कि टिफिन के नाम से आपने लेजर बनाया। देखो अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है और टैली के अंदर काम करोगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ना, तो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक जैसे प्रकार की चीजों का ना एक ही अकाउंट होता है, जैसे राम घनश्याम ये सब एम्प्लॉइज हैं, इनको सैलरी दे रहे हैं, तो इन सबका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सैलरी अकाउंट से ही होगा। सिमिलरली आप टिफिन एक्सपेंस
एक्सपेंसेस करो, आप रिफ्रेशमेंट करो, आप क्लाइंट्स के लिए, स्टाफ के लिए कुछ भी बाहर से खाना मंगवा रहे हो तो वो जाता रिफ्रेशमेंट अकाउंट में ही है। सो दैट्स व्हाई रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हम लेंगे, एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप एंड सिंपली आपको स्क्रीन को सेव कर देना है आफ्टर डिसेबलिंग ऑल द टैक्सेशन ऑप्शंस। सो द अमाउंट जो मैं एंटर करूंगा 950 होगा एंड आप देख सकते हैं कितना आसानी से काम हो रहा है भाई। नरेशन हम डाल देंगे बींग एंड ये रेड कलर का इसलिए शो हो रहा है अभी क्योंकि अभी पेटी कैश अकाउंट के अंदर हमने कुछ पैसा डाला ही नहीं, तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। चलिए कर ही लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट में पेटी कैश सेलेक्ट करेंगे एंड इस अकाउंट को इंक्रीज करेंगे कैश से, तो चलिए डाल देते हैं हम 3000 रुपये यहाँ पे एंटर। देखिए क्या पेटी कैश का बैलेंस अब 2050 हो गया क्योंकि इससे पहले हमने 950 रुपीज़ का एक्सपेंस किया था पेटी कैश से जो कि एडजस्ट हो गया। तो गाइज ये फायदा है इस वाउचर क्लास का, जब भी मैं पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करूंगा, पेटी कैश वाउचर को एंटर करूंगा वाउचर क्लास पे, तो ये एक अलग वाउचर क्लास की वजह से मेरे को एक अलग फीचर देगा पेमेंट वाउचर का, जिसकी मदद से बस मेरे को बस यहाँ पर पर्टिकुलर्स में खर्चे को रिकॉर्ड करना है एंड अमाउंट डाल के एंट्री को सेव करना है। इट विल सेव माय टाइम एंड यू नो उसी टाइम को हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी में कुछ और वर्क करने के लिए जो कि प्रोडक्टिव है। नाउ रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स पे जाकर आपको कुछ रिपोर्ट्स व्यू करनी है, उनको व्यू कर लेते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को मैं एक्सपोर्ट भी करना है। सो लेट्स डू दिस। मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट एंड स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर विल रिव्यू फॉर ट्रैकिंग एंड एनालिसिस पर्पसेस। एक तो ट्रैकिंग करने के पर्पस से हम रिपोर्ट्स को व्यू करते हैं चेक करने के लिए कि भाई इफेक्ट आया नहीं आया, एंड दूसरा होता है रीजन एनालिसिस जिसका मतलब होता है टू एग्जामिन डीपली, किसी चीज को डीपली समझना। तो मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट कहां पे आती है, इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है एंड ज्यादातर जो इन्वेंटरी संबंधित रिपोर्ट्स होती है वो इन दो जगहों पे ही होती है, या तो यहां छुपी होगी या फिर यहां छुपी होगी। तो यहां नहीं छुपी, देखिए यहां पे छुपी है। मूवमेंट एनालिसिस एंटर करेंगे। अब आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, किस तरीके से देखना चाहते हो, आप ग्रुप एनालिसिस भी कर सकते हो, यानी कि आप एंटर करके यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स सेलेक्ट करके जो भी आपने क्रेडिटर डेटर से कोई प्रोडक्ट की डील करी है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो क्रेडिटर से मैंने डील करी थी परचेज की, तो ये सारी की सारी परचेज है, तभी क्रेडिटर से जो परचेज की थी मैंने, एंड डेटर से अगर देखना चाहूं तो अपने डेटर से मैंने ये डील की थी सेल की, तो इससे आप फटाफट से ये समझ सकते हो कि भाई क्रेडिटर एंड डेटर से हमने क्या क्या स्टॉक प्रोडक्ट्स की डील करी है। लेजर एनालिसिस पे जाओगे तो आपको लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मूवी कंप्यूटर ट्रेडर्स को मैंने ये सेल किया 16 पीसेस, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। सुप्रीम टेक्नोलॉजी से मैंने परचेस किया ये सब चीजें, तो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है। तो कभी भी किसी लेजर से जो भी परचेस सेल आपने की है वो आपको देखना हो तो मूवमेंट एनालिसिस में जाओ, लेजर एनालिसिस में जाओ और यहाँ पर उस लेजर को एंटर कर दो। अगर आपको स्टॉक आइटम का एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक आइटम का कि वो कैसे मूव हुआ क्या हुआ, तो उस स्टॉक आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर देखो। इधर दिखा रहा है कि जलन ट्रेडिंग ने हमें सप्लाई करा है 1+5 का हैंडसेट 28 पीस 9974 एंड फिर हमने ट्रांसफर करा, इन्वर्ट किया स्टॉक जनरल वाउचर में 5 पीस और जो कि आज की क्लास में हमने किया, एंड मूवी कंप्यूटर ट्रेडर्स को हमने सेल की 16 पीसेस। ये मूवमेंट आउटवर्ड में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप सेल करते हो तो प्रोडक्ट जाता है आपके पास, दैट्स व्हाई आउटवर्ड एंड ट्रांसफर आउटवर्ड स्टॉक जनरल वाउचर में 5 पीस दिखा रहा है, जो कि बेसिकली यही चीज है, ठीक है ना, कहीं से आएगा कहीं तो जाएगा जब आप ट्रांसफर करोगे। नाउ नेक्स्ट हमें स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर को एक्सेल फॉर्मेट में देखना है, तो इसके लिए हम जाएंगे पहले डिस्प्ले में, इन्वेंटरी बुक्स, यहाँ पे आता है स्टॉक ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट जनरल रजिस्टर, एंटर। नाउ इसको आप एक्सेल फॉर्मेट पे अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, कॉन्फिगर करो एंड यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पे एंटर प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए एक्सेल स्प्रेडशीट, फोल्डर पाथ, फाइल नेम डिफाइन कर दीजिए जो भी आपको करना है एंड एस्केप करके एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये है आपकी स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर की रिपोर्ट। सो दैट्स इट इन दिस डे। आई होप कि आपको इस डे 8 में इन्वेंटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वीडियो को आप केवल देखें ना, बल्कि साइड बाय साइड टैली लॉन्च करें अपने कंप्यूटर में और ऑल टैब शॉर्टकट की प्रेस करके एक तरफ वीडियो देखें, पॉज करें एंड ऑल टैब प्रेस करके टैली में पहुंचे, प्रैक्टिकल करें एंड आगे बढ़े। ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है टैली फटाफट से सीखने की। यदि इसके बाद कोई क्वेश्चन आपका है तो उसे आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई सजेशन है तो उसको भी टाइप कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको टैली में कहीं दिक्कत होती है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। माय नेम इज आकाश कुलियाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।